नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ गुरु में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं काकड़ा सिंगी के बारे में। देंगे आज आपको काकड़ा सिंगी की संपूर्ण जानकारी कि क्या इसकी पहचान होती है, किन किन नामों से इसको जाना जाता है, क्या इसके गुण होते हैं और क्या इसके अवगुण होते हैं। और साथ ही दोस्तों आज हम आपको काकड़ा सिंगी के ऐसे 11 उपयोग बताएंगे जिनको आप अपने घर पर ही स्वयं तैयार करके 11 तरह की गंभीर बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों काकड़ा सिंगी का वृक्ष आसाम, कश्मीर, भूटान, नेपाल, बंगाल और हिमालय की निचली पहाड़ियों में पाया जाता है। इसका वृक्ष ऊंचाई में 25 से 40 फुट ऊंचा होता है, जिसकी छाल मटमैली कालापन ली होती है। छाल को काटने से सुगंधित स्त्राव निकलता है। इसके ज्यादातर पत्ते आमने सामने युग्म में 5 से 7 इंच लंबे होते हैं, जिनकी चौड़ाई 1 से 3 इंच होती है। नए कोमल पत्तों का रंग लाल होता है। पुष्प मंजरियों में लाल रंग के छोटे छोटे लगते हैं। अप्रैल जून में पुष्पों की बाहर आती है और फल चिकने गोल है, 1/4 इंच व्यास के लगते हैं, जो पकने पर मटमैले रंग के हो जाते हैं। वृक्ष के पत्ते या पत्तों के व्रंतों पर लंबे लंबे शरंग के समान कृमि ग्रह एफिस नामक कृमि द्वारा बनाए लगे होते हैं, जिनका उपयोग चिकित्सा में दोस्तों किया जाता है। कृमि ग्रह कड़ा सिकुड़ा हुआ 1 से 3 इंच लंबा और 1/2 से 2 इंच चौड़ा अंदर से खोखला श्रृंगाकार होता है। श्रृंगाकार रचना होने के कारण ही दोस्तों इसका नाम काकड़ा सिंगी या काकड़ा श्रृंगी पड़ा है। श्रृंगाकार कृमि ग्रह ही दोस्तों पंसार की दुकान पे बेचे जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विभिन्न भाषा में नाम के बारे में कि काकड़ा सिंगी को विभिन्न भाषा में किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों संस्कृत में इसको कटक श्रृंगी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में दोस्तों इसको काकड़ा सिंगी के नाम से जाना जाता है। मराठी में दोस्तों इसको काकड़ा सिंगी के नाम से ही जाना जाता है। गुजराती में दोस्तों इसको काकड़ा के नाम से जाना जाता है। बंगाली में कांगड़ा श्रृंगी के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में दोस्तों इसको स्टेवार्टेक्स ब्रांडिस के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके गुण के बारे में कि इसमें क्या क्या गुण मौजूद होते हैं काकड़ा सिंगी में। तो दोस्तों आयुर्वेदिक मतानुसार काकड़ा सिंगी रस में कसेला, तीक्त गुण में लघु, रुक्ष तासीर में गर्म, विपाक में कटु, कफ वात शामक, पौष्टिक संकोचक, कृमि नाशक होता है। यह खांसी, श्वास, पित्त, ज्वर, वमन, क्षय रोग, रक्त विकार, प्यास, मूर्छा, अग्निमान, अतिसार, हिचकी, अरुचि, दांत निकलने के समय की परेशानियां, रक्तरोधक होने से मसूड़ों से खून आने, सूजन दूर करने में यह विशेष रूप से दोस्तों गुणकारी काकड़ा सिंगी होती है। यूनानी चिकित्सा के मतानुसार काकड़ा सिंगी दूसरे दर्जे का गर्म और तीसरे दर्जे का खुशक होता है। कफ के उपद्रवों को दूर करने में यह उत्तम औषधि दोस्तों मानी जाती है। इससे बवासीर, खांसी, दमा, खूनी दस्तों, वायुगोला, भूख न लगने में दोस्तों काफ़ी आराम मिलता है इसके सेवन से। वैज्ञानिक मतानुसार दोस्तों काकड़ा सिंगी का रासायनिक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसके पत्ते में 16% और फल में 8% टैनिन होता है, जबकि इसमें 20 से 75% टैनिन, 1 से 1.5% उड़नशील तेल, 4% स्फटिकीय हाइड्रोकार्बन तथा 5% राल पाया जाता है। उड़नशील तेल विशिष्ट गंध और स्वाद लिए पीले रंग का होता है। दोस्तों फेफड़ों की पीड़ा दूर करने में काकड़ा सिंगी को दोस्तों काफ़ी प्रसिद्धि मिली हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके हानिकारक प्रभाव की कि काकड़ा सिंगी में क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों काकड़ा सिंगी का अधिक मात्रा में किया गया सेवन गुर्दे, अमावस्या और यकृत के लिए दोस्तों हानिकारक होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मात्रा के बारे में कि काकड़ा सिंगी का हमको कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों श्रृंगाकार कोष 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके पहले से ही उपलब्ध आयुर्वेदिक योग के बारे में जो पहले से ही मार्केट में उपलब्ध हैं काकड़ा सिंगी के। तो दोस्तों बालचातु, भृद चूर्ण, श्रृंगादि चूर्ण, कर्कटादि चूर्ण आदि। अब दोस्तों बात करते हैं इसके विभिन्न रोगों में प्रयोग के बारे में कि काकड़ा सिंगी का हमको विभिन्न रोगों में कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों दमे में कैसे इस्तेमाल करना है काकड़ा सिंगी का। काकड़ा सिंगी कोष और कायफल का चूर्ण संभाग मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में 2 बार शहद के साथ सेवन करने से दोस्तों दमा के रोग में काफी लाभ मिलता है। सूजन में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है काकड़ा सिंगी का। तो दोस्तों काकड़ा सिंगी कोष को गाय के मूत के साथ पीसकर तैयार लेप को सूजन वाले अंग पर लगाने से दोस्तों सूजन उतर जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं मंदाग्नि में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है काकड़ा सिंगी का। तो दोस्तों पिपली के चूर्ण को काकड़ा सिंगी कोष चूर्ण में बराबर की मात्रा में मिलाकर शहद के साथ सुबह शाम भोजन के 1/2 घंटा पूर्व सेवन करने से दोस्तों मंदाग्नि की समस्या दोस्तों दूर हो जाती है। मसूड़ों से रक्त आने पर दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है काकड़ा सिंगी का। तो दोस्तों काकड़ा सिंगी कोष के काढ़े से नियमित रूप से गरारे करने से दोस्तों मसूड़ों से खून आने की समस्या दोस्तों दूर हो जाती है। वमन की शिकायत में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है काकड़ा सिंगी का। तो दोस्तों नागरमोथा और काकड़ा सिंगी कोष का चूर्ण संभाग में मिलाकर एक
चम्मच की मात्रा में शहद के साथ खिलाएं दोस्तों, इससे वमन की शिकायत में बहुत लाभ होता है। अतिसार में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है कांगड़ा सिंगी का, तो दोस्तों बेलगिरी का चूर्ण और कांगड़ा सिंगी कोस का चूर्ण बराबर की मात्रा में मिलाकर एक एक चम्मच दिन में 3 बार दें, इससे दोस्तों अतिसार में बहुत लाभ मिलता है। चोट घाव से दोस्तों रक्त स्त्राव में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है कांगड़ा सिंगी का, तो दोस्तों कांगड़ा सिंगी कोस का बारीक चूर्ण लगाकर बांधे, इससे दोस्तों रक्त स्त्राव रुक जाएगा और घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं खांसी में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है कांगड़ा सिंगी का, तो दोस्तों आधा चम्मच कांगड़ा सिंगी कोस का चूर्ण शहद के साथ दिन में 2 बार देने से खांसी में दोस्तों काफी लाभ मिलता है। बच्चों को 1/4 चम्मच की मात्रा में दें, इससे दोस्तों अवश्य लाभ मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं परवाहिका में कैसे इस्तेमाल करना है कांगड़ा सिंगी का, तो दोस्तों दही के साथ आधा चम्मच कांगड़ा सिंगी कोस का चूर्ण दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से दोस्तों परवाहिका के रोग में शीघ्र लाभ मिलता है। वात श्लेष्मिक ज्वर में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है कांगड़ा सिंगी का, तो दोस्तों कांगड़ा सिंगी कोस का आधा चम्मच चूर्ण, 2 लौंग और काली मिर्च, 10 तुलसी के पत्ते और आधा चम्मच अदरक का रस, सबको मिलाकर सुबह शाम सेवन कराने से दोस्तों वात श्लेष्मिक ज्वर दोस्तों दूर हो जाता है। नपुंसकता के रोग में दोस्तों कैसे इस्तेमाल करना है कांगड़ा सिंगी का, तो दोस्तों आधा चम्मच कांगड़ा सिंगी कोस का महीन चूर्ण 1 कप दूध के साथ सुबह शाम सेवन कराते रहने से दोस्तों कुछ ही हफ्तों में पूर्ण लाभ नपुंसकता में मिल जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारे द्वारा दी जाने वाली आपको कांगड़ा सिंगी की संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।